हेलो एवरीवन, माय सेल्फ धनंजय शिंदे, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीफिक्स होता क्या है, सफिक्स होता क्या है। हालांकि ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी जिन्हें पता नहीं प्रीफिक्स और सफिक्स होता क्या है, तो ये वीडियो उनके लिए है। और इसके बाद में भी मैं कुछ वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ जो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होंगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप किसी ड्रग के सफिक्स से आप उस ड्रग का यूज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वो वीडियो में भी पार्ट्स में डिवाइड होंगी। फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रीफिक्स एंड व्हाट इज़ सफिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्रीफिक्स? तो प्रीफिक्स इज़ द लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स प्रेजेंट एट द बिगिनिंग। तो इन अ सिंपल लैंग्वेज प्रीफिक्स होते क्या है? ये लेटर या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग या फिर बिगिनिंग को प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे प्रीफिक्स। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एंटीबायोटिक ड्रग्स के एग्जाम्पल लिए है, जिसमें फर्स्ट ड्रग है सेफेलोस्पोरिंस, देन सेफ्ट्रायोक्सोन एंड देन सेफीपाइम। तो ये तीनों ड्रग में जो स्टार्टिंग है दैट इज सेफ, वो सेम है, तो इसे हम कहेंगे प्रीफिक्स। अब हम बात करेंगे सफिक्स की। तो सफिक्स होता क्या है? इट इज़ द लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर प्रेजेंट एट द एंडिंग। तो सफिक्स इज जस्ट अपोजिट टू प्रीफिक्स, जिसमें जो लेटर या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स है वो किसी भी वर्ड के एंडिंग को प्रेजेंट रहेंगे, उसे हम सफिक्स कहेंगे। अब इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एसी इनहिबिटर्स के एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें फर्स्ट ड्रग है कैप्टोप्रिल, देन एनालोप्रिल एंड बेंजाप्रिल। तो ये तीनों ड्रग में जो एंडिंग है वो सेम है, प्रिल, तो इसे हम कहेंगे सफिक्स। तो ये हुआ प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में।